नमस्कार सभी के दोस्तों, अब ये रिमूव कर दिया है इसी। ये हमारा रेडमी मोबाइल में ज्यादातर से फेल्ड हो रहा है। ये फेल्ड होने से हमारे को नो सर्विस और इमरजेंसी कॉल बोलकर आ जाता है, इसलिए हम ये आईसी को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। ये 2G 3G 4G कन्वर्ट करने वाला मॉडल आईसी है, ज्यादातर से ये फेल्ड हो रहा है, इसलिए मैं अब इसको रिमूव कर दिया है। रिमूव करके अब इसमें लगा दूंगा और एक डेड मोबाइल बोर्ड से सेम ये नंबर का इसमें रिमूव कर दिया है, रिमूव करके इसमें लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, लगाने के बाद फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये आईसी है, अब मैं लगाने वाला आईसी ये है, ये आईसी मैं अब हमारा बोर्ड में लगा दूंगा। ओके, ठीक है दोस्तों, अब ये आईसी को चेंज कर दिया है। हमारा 4G 2G 3G नेटवर्क को कन्वर्ट करने वाला आईसी है ये। ये फेल्ड होने से हमारे को नो सर्विस और इमरजेंसी कॉल बोलकर आ रहा है। ज्यादातर से रेडमी मोबाइल को ये आईसी फेल्ड हो रहा है। ये मोबाइल बहुत मोबाइल्स को भी चेंज कर दिया है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है मेरे को, इसलिए ये इमरजेंसी कॉल और नो सर्विस बोलकर आया तो ज्यादातर से आईसी फेल्ड हो रहा है, इसलिए ये चेंज करने से हमारा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैं इसको चेंज कर दिया है, अब वो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व हुआ है नहीं, क्या मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है दोस्तों, अब मैं ये आपको बता दूंगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गया है। ओके, ठीक है दोस्तों, एयरटेल 4G बोल कर आ गया है, हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, नेटवर्क फुल है। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं 2G में डालकर आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब प्रेजेंट हमारे को 4G में है ये। ये आईसी हमारे फेल्ड होने से ओनली 4G नेटवर्क तो आ जाएगा और 2G नहीं आएगा दोस्तों, और नेटवर्क को कभी कभी तो हमारे को नो सर्विस और इमरजेंसी कॉल बोलकर आ जाएगा। देखो दोस्तों, अब 4G है, अब मैं 2G में डाल जाता है। देखे दोस्तों, देखे दोस्तों, 4G बंद हो गया है, बंद होकर 2G बोलकर आ गया है। देखे दोस्तों, ये बोलकर आ गया है, इसका मतलब क्या है बोलते, ओनली 2G सर्विस है, वो 2G में आ गया है। अब हमारा ये आईसी सक्सेसफुल से वर्क कर रहा है। ऐसा हम नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया तो हमारा रेडमी मोबाइल को मैक्सिमम ये आईसी फेल्ड हो रहा है। ऐसा आईसी चेंज करने से हमारा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाता है दोस्तों। ऐसा लेटेस्ट वीडियोस पर मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज। थैंक यू दोस्तों।